बुधवार को महापौर संदीप जोशी ने शहर के बड़े पानी बिल और घर टैक्स बैठक बुलाई थी, मगर इस बैठक में आयुक्त तुकाराम मुंडे उपस्थित नहीं थे। मनपा के आरोग्य सभापति विक्की कुकरेजा ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ते बिल के कारण जनता परेशान है, मगर आयुक्त को क्या परेशानी है कि वे महापौर ने बुलाए बैठक में शामिल नहीं होते। आज 13 अगस्त नागपुर महानगर पालिका की अगर मैं बात करूँ तो कल सम्माननीय महापौर संदीप जोशी जी की अध्यक्षता में 5 विधायकों के साथ में ज्येष्ठ सभी नगर सेवकों के साथ में महानगर पालिका में एक अहम बैठक हुई। विषय था महानगर पालिका में बढ़े हुए पानी के और कॉरपोरेशन के टैक्स के बिल। मैं सम्माननीय महापौर जी के जो कल के डायरेक्टर्स है आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। नागपुर शहर की कोरोना की सद्य स्थिति देखते हुए हमने यह विचार किया था कि महानगर पालिका को जो टैक्स आना चाहिए, लोगों को इसका भार बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका सरसकट 50% डिस्काउंट करके कम करके लोगों की जनता से लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है, निर्णय चाहे जो भी हो लेकिन सम्माननीय हमारे आयुक्त तुकाराम मुंडे जी माननीय महापौर जी की बैठक में क्यों नहीं जाते हैं? कल की बैठक में इतने सारे महत्वपूर्ण लोग थे। इसके पूर्व भी 31 तारीख को एक बैठक हुई, वो भी सम्माननीय महापौर जी ने उनके चेंबर के बाजू में जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ बुलाई थी, लेकिन सम्माननीय मुंडे साहब वहाँ पर भी अनुपस्थित थे। आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी क्या बात है जब जब माननीय महापौर जी बैठक बुलाते हैं सम्माननीय मुंडे साहब बैठक छोड़कर चले जाते हैं, बैठक में आते नहीं है, कहीं तो भी दूसरे काम का बहाना बनाकर चले जाते। ये क्या परिस्थिति है? नागपुर की जनता परेशान है, नागपुर की जनता रिजल्ट चाहती है, लेकिन माननीय मुंडे साहब कोई विषय के ऊपर में बातचीत करने को तैयार नहीं। पता नहीं जनप्रतिनिधियों से उनको क्या अड़चन है, क्यों उनसे ऐसी कोई पुरानी नाराजगी है मालूम नहीं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी होने के बाद भी माननीय जनप्रतिनिधियों की बैठक में जाते नहीं है। एक चिंताजनक बात है, इतने गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर में। मुझे तो कल के घटना के बाद में ऐसा देखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है शायद माननीय मुंडे साहब ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, इनके ऊपर में निर्णय थोपे जा रहे हैं। एक IAS ऑफिसर IAS बनने के बाद में लोगों की सेवा की भावना लेके चलता है। हमारे जितने भी संबंध IAS अधिकारियों से आए हमने तो यही देखा, लेकिन शायद मुंडे साहब को ज़बरदस्ती यहाँ की जो सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, सम्माननीय मुंडे साहब को अपना निर्णय थोप रही है, और उस निर्णय को पूरा करने के लिए वो ज़बरदस्ती अपने बैठकों से भाग रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सम्माननीय मुंडे साहब, ये नागपुर शहर, यहाँ की जनता भोली भाली है, अच्छी है, लेकिन यह अपना हक लेना जानती है, इनको समझता है। कोरोना सरी के महामारी के अंदर में आज आर्थिक परिस्थिति सबकी बहुत ख़राब है। अगर भाव बढ़ाने की बात थी, जब निर्णय लेना था बढ़ाने का, तब इसी महानगर पालिका में रह के हमने भाव बढ़ाए भी हैं। आज परिस्थिति को देखते हुए भाव कम करने चाहिए, आम जनता आप तक के नहीं पहुंच पाती है, आम जनता जनप्रतिनिधियों तक के जाती है और जनप्रतिनिधियों से ही चर्चा करती है, आप तो मिलने का समय भी लोगों को नहीं देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना ही निवेदन करता हूँ, परिस्थिति को समझिए, लोगों की आर्थिक स्थिति को समझिए, और कोरोना इस महामारी के अंदर में जितना हो सके उतना डिस्काउंट कर लोगों को बिल कम करके एक तरफ से अपन 22% इसके ऊपर में लेट पेमेंट के ऊपर में अतिरिक्त भार लगाते हैं, जिसके कारण नागपुर की जनता वैसे ही परेशान है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये निर्णय आपको लेना है, अल्टीमेटली प्रशासकीय मंजूरी देना आपका अधिकार है, इसीलिए आपके अधिकार को हम आपको निवेदन करते। माननीय महापौर जी ने डायरेक्टिव्स भी दिए सर्वसम्मति से, उसमें विरोधी पक्ष नेता श्री तानाजी वनवे साहब भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। नागपुर की जनता की परिस्थिति को समझते हुए आप निर्णय लेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं मेरे घर पर ही हूं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेट हुआ हूं, 100% स्वस्थ हूं, और सभी नागरिक जिन्होंने जो हमारे शुभचिंतक है, जिन्होंने हमें शुभाशीर्वाद दिया, हमारे लिए प्रार्थना की, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और सदैव आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।